मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य पत्रकार की रिपोर्ट। बाइक की टक्कर मारी फिर लाठी डंडों से मार डाला। मैनपुरी मंगलवार की देर शाम मूंगफली की रखवाली करके घर जा रहे एक वृद्ध को पहले बाइक सवारों ने बाइक की टक्कर मारी, उसके बाद लाठी डंडों सरियों से पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम हसनपुर निवासी अनुज कुमार पुत्र रामचंद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार को उसके पिता रामचंद जाटव अपने खेत पर खड़ी मूंगफली की रखवाली जानवरों से करने के बाद वापस घर जा रहे थे कि शाम 6 बजे पैदल पैदल खेत से घर के लिए वापस आ रहे थे कि रास्ते में सामने से मोटरसाइकिल से आ रहे अखिलेश पुत्र रामतार, पवन पुत्र राजेंद्र सिंह, राजा पुत्र हरिवरण सिंह निवासी हसनपुर में उनके पिता की टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गए। पवन बाइक चला रहा था, पीछे बैठे राजा ने लोहे के पाइप से लाठी डंडों रामचंद्र को जान से मारने की नियत से मारना पीटना शुरू कर दिया। शोरगुल सुनकर पीयूष आनंद आ गए और आरोपी बाइक छोड़कर भाग गए। घायल अवस्था में रामचंद्र को जिला अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां रामचंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसकी मौत हुई है? मेरे फादर की। कैसे मौत हुई इनकी? ये पहले मेरे फादर खेत में गए थे मूंगफली देखने के लिए, गाय और नील गाय और गाय वगैरह घुस जाती हैं, तो उनको देखने के लिए गए। तो हमारे गांव के लड़के थे, तो पापा को मेरे को पहले धमकी दी कि साले खेत में से निकल का तब तुझे बताते हैं। तो मेरे पापा रोड पे आ रहे थे, इन्होंने पहले मेरे पापा के बाइक पे से टक्कर मारी है, उसके बाद में फिर वह लाठी डंडे सरिया से मेरे पापा को हमला किया है। तो लाठी डंडे सरिया से मेरे पापा को हमला किया है, उसके बाद मेरे पिताजी वहीं गिर गए हैं, तो ये मरा समझ के मेरे फादर को छोड़ गए हैं। उसके बाद में फिर किसी ने मेरे भाई को इन्फॉर्मेशन दी है, फ़ोन किया, तो ये घर वाले भाग के गए हैं सीधे। उसका नाम क्या? नहीं, भतीजा मौके पहुँच गया, लड़का भतीजा मौके पहुँच गया, भाई मौके पहुँच गए हैं। उसके बाद में हमारे पिताजी को पास में बेवर CSC पड़ता है, उस पर ले गए हैं। बेवर CSC वालों ने मैनपुरी रेफर कर दिया है, तो दरोगा जी से बात हुई है, भोगांव थाना पड़ता है, तो थाने के दरोगा जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले इलाज कराइए, उसके बाद में FIR कराना। तो हमारे भाई डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में हमारे फादर को ले आए, उसके बाद में हमारी बहन ये आ गई, हम आगरा से आ गए, उसके बाद में फिर हमने अपने भोगांव थाने में गए हैं। भोगांव थाने में मुंशी उपेंद्र सिंह बैठे हुए थे, उपेंद्र सिंह मुंशी जी ने कहा कि जैसे हम बताएं वैसे आप तहरीर लिखोगे। और उन्होंने फिर ये किया कि कहो कि एक्सीडेंट में हम बोल बोल के लिखाएंगे, उसी हिसाब से लिखो। और उपेंद्र जी ने कहा कि एक्सीडेंट दिखाइए, हम लोगों पर दबाव डलवाया गया है। उसके बाद में जब हमारे फादर को एडमिट किया है, हमारे फादर जब होश में आए हैं, होश में आने के बाद मेरे फादर ने उन मुलजिमों के नाम बताए हैं, तो हम नाम दर्ज FIR करना चाह रहे हैं। भोगांव थाना पुलिस FIR नहीं लिख रही है। SP से बात की थी? जी हाँ, SP से बात की है, कई बार बात की है, 3-4 बार बात हुई है मेरी। क्या कहा? SP साहब ये बोल देते हैं कि अभी मैं भोगांव थाने में बात करता हूँ, अभी पता करता हूँ। कोई कार्रवाई नहीं की अभी? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक।